जनपद में 24 मार्च को शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम को संपन्न कराने के लिए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में मॉनिटरिंग सेल को स्थापित किया गया है, जिसके संबंध में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य किरण कुमार अरेतो ने बताया कि बोर्ड एग्जाम को संपन्न कराने के लिए जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पुस्तिकाएं भेजी जा चुकी हैं और सभी विद्यालय उसका मिलान कर रहे हैं, जिससे किसी विद्यालय में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कल तक किया जा सके, क्योंकि 24 मार्च को बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों के मॉनिटरिंग के लिए कॉलेज में मॉनिटरिंग सेल को स्थापित किया गया है। इससे सभी विद्यालय सीसीटीवी के माध्यम से जुड़े हैं। यहाँ से सभी परीक्षा केंद्रों की कंप्यूटर ऑपरेटर मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें एक ऑपरेटर को 20 विद्यालय की मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया गया है और जिस स्कूल पर कुछ समस्या आएगी उसको तुरंत संबंधित विद्यालय को बताकर निस्तारण करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से हमारे कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग की जाएगी और वहाँ से कोई निर्देश आएगा तो उसको पालन करवाया जाएगा। वहीं इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें 3 सीओ, 2 इंस्पेक्टर, 21 उपनिरीक्षक, 64 कांस्टेबल, 32 महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक एग्जाम संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य किरण कुमार अरेतो व एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, वो सब सही है, लेकिन जो हमारे पास आ रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, उसके लिए सर क्या तैयारियां हैं? सभी परीक्षा केंद्रों पर हमारी उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जा चुकी हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन बुकलेट जो होती हैं बच्चों की, प्रश्न पुस्तिकाएं जो होती हैं वो भी हम लोगों ने भेज दिया है और सारे स्कूल वाले उसका मिलान कर रहे हैं। अगर किसी स्कूल में कोई समस्या आती है तो उसका आज ही की डेट में, आज से कल में हमारे वो जो उनके पूरक प्रश्न पत्र होंगे वो भी पहुँच जाएंगे और तैयारियाँ लगभग पूरी हैं। 24 तारीख से हमारी परीक्षाएँ बिल्कुल शुरू होंगे। सर कंट्रोल रूम भी बनाया गया यहाँ पे, किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी? कंट्रोल रूम के लिए हमारे प्रशासन से एक एडीएम सर रहेंगे और बाकी जिले का नोडल मैं हूँ उसके लिए, और हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो जिले के हर स्कूलों को वो लोग लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। तो उसमें हम लोग हर एक ऑपरेटर को 20 स्कूल बांट दिए हैं, वो लोग बारी बारी हर स्कूल को देखेंगे और जिस स्कूल पे कोई समस्या आती है उसको हम लोग तुरंत उन स्कूल वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके यहाँ ये समस्या है, समस्या को दूर करें। साथ ही हमारे कंट्रोल रूम लखनऊ से, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से वो लोग हमारी मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ से अगर कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो हम लोग उसको फॉलो कराते हैं। सर सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था हर परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व्यवस्था सही है, धारा 144 परीक्षा केंद्रों के अगल बगल लागू है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना है और जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती है ताकि वो लोग परीक्षा में पूरा सहयोग करें। प्रशासन पूरा हमारे साथ लगा हुआ है परीक्षा के। कोविड का किस तरह पालन करवाया? तो कोविड में इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर विद्यालय पर रखा जाए और साथ ही साथ बच्चों को भी इस बात पर निर्देशित किया गया कि वो मास्क पहन के ही आएंगे।
मात्र बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हुई, इसके लिए सर क्या व्यवस्था? देखिए, हर केंद्र पर ड्यूटी लगाई गई है और पूरी जो परीक्षा है वो सीसीटीवी कैमरों से लैस होकर के कराई जा रही है। इसमें जनपद पुलिस की तरफ से 3 CO, 2 इंस्पेक्टर, 21 सब इंस्पेक्टर, 64 कांस्टेबल और 32 महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई है और परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्वक संपादित हो रही है। मॉनिटरिंग सेल भी क्या बनाया गया है? वहाँ से कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की जा रही है इसकी।